Hello friends, welcome back to our channel. And now we will study about laws of chemical combinations. Class 11th chemistry ka first chapter ka law of chemical combination. Aaj hum padhenge law of chemical combination. अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पांच लॉ है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, ये लोग क्या कहता है कि द मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है. अब हम इसका स्ट्रिक्ट देख लेते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. तो होती क्या है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और अ केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. हम पहले ये लिख लेते हैं. अब ये लोग क्या कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और अ केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. ये हमने लिख लिया इसका स्टेट, मतलब कि इसकी डेफिनेशन. ये डेफिनेशन हमने लिख ली. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है रिएक्टेंट की साइड, वही मास इक्वल होता है प्रोडक्ट की साइड. हैं, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल क्या, कार्बन और O2 ले लें, क्या बना? CO2. कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया. और इधर भी देखिए यहाँ क्या है, 12 प्लस 32 44 यूनिट, और इधर भी क्या आ गया, 44 यूनिट. ठीक है, यानी टोटल मास इक्वल रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो मास है वो क्या है, इक्वल. ठीक है, जैसे कि हर चीज़ में कोई कमी होती है, इसमें भी कोई कमी है, इसमें भी क्या है, लिमिटेशंस हैं. क्या है, लिमिटेशन क्या है, अब इसमें वो देख लेते हैं. जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं ना, धमाके वाले, हाँ, तो उसमें जो मास होता है ना, थोड़ा सा मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो ठीक है, तो सम मास ऑफ रिएक्टेंट लिख लेते हैं. सम मास ऑफ reactant is converted into किसमें, एनर्जी. तो जब थोड़ा सा मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, तो जो मास होगा रिएक्टेंट साइड में वो थोड़ा कम होगा किसके, प्रोडक्ट के साइड में. ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. तो क्वेश्चन है, 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टेकन 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू इट केमिकल रिएक्शन ऑफ 1.435 ग्राम ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड एंड 0.85 ग्राम ऑफ NaNO3 आर फॉर्म्ड. तो हमें ये बताना है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो टोटल मास हम पहले लिख लेते हैं, टोटल मास बिफोर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पहले कितना मास था, 1.70 प्लस 0.585 ये, और क्या इतना है, और है 100 यहाँ एडेड टू इट केमिकल रिएक्शन, और 100 यहाँ, तो कितना हो गया, 200. ठीक है, तो ये कितना 202.285 ग्राम हो गया, प्लस कर लेना इतना ही आएगा. ठीक है, अब आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद कितना है, आफ्टर केमिकल रिएक्शन ये क्या है, बिफोर केमिकल रिएक्शन. आफ्टर केमिकल रिएक्शन पे क्या है, कितना है मास, यहाँ 1.435 ग्राम ऑफ AgCl
1.435 ग्राम HCl प्लस 0.5, ये NaNO3 0.85 है और यही है दो वाटर तो 200 है ही है, तो ये भी कितना हो गया 200, तो कितना हो गया 202.285 ग्राम। सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसी के साथ अब हम आते हैं अगले लॉ पे। अगला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है, क्या है अगला लॉ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। और इसको एक और बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, क्या कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। अब इसको हम पहले ये देख लेते हैं ये लॉ कहता क्या है, तो ये लॉ ये कह रहा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन का, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सम एलिमेंट, जो प्योर केमिकल कंपाउंड होगा वो ऑलवेज हमेशा क्या कंटेन करेगा, एक एलिमेंट, एलिमेंट को कंटेन करेगा कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वेट, एक डेफिनेट प्रपोर्शन, किसके डेफिनेट प्रपोर्शन, किसके बाय वेट, वेट के डेफिनेट प्रपोर्शन कंबाइन करेगा, ठीक है। अब पहले यहाँ लिख लेते हैं डेफिनेशन यानी स्टेट, अब जरा ये देख लेते हैं, प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सम एलिमेंट, जो प्योर केमिकल कंपाउंड है हमें जो क्या कंटेन करेगा, एलिमेंट कंबाइन करेगा इन किसे डेफिनेट प्रपोर्शन, किसके डेफिनेट प्रपोर्शन, किसके मतलब बाय मास, मास के डेफिनेट प्रपोर्शन में क्या करेगा वो कंबाइन करेगा, यानी कि एक एग्जांपल इस पर हम देखेंगे, जैसे कि हमने ले लिया 80%, 20%, तो इसी प्रपोर्शन मतलब यही सेम प्रपोर्शन में क्या करेगा वो कंबाइन, कोई भी मतलब इस ये सेम नहीं, कुछ भी प्रपोर्शन हो सकता है, कुछ भी 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, मतलब किसी भी प्रपोर्शन में, लेकिन करेगा क्या प्रपोर्शन में करेगा कंपाइन, किसके बाय मास के, मास के प्रपोर्शन, ठीक है। तो इस हर इसमें भी एक लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन आइसोटोप के केस में जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता, किसके इन केस ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की केस में, ठीक है, जैसे हमने ले लिया 12 ऑफ CO2 और कार्बन 12 और कार्बन 14 का CO2, अब इससे लेंगे ये क्या है कार्बन का 12 ये 32, इसमें कार्बन का क्या 14:32 और इसमें क्या बना 3:8 और ये क्या बनेगा 7:16, तो ये नहीं हुआ ना, सेम प्रपोर्शन में नहीं हुआ, इसमें 3:8 है और इसमें 7:16 है, और क्या बोला सेम रेशियो होगा किसके मास से, बट हमने मास देखा तो अलग अलग प्रपोर्शन है, यानी ये क्या कर रहा है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन को लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पर भी देख लेते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, 1.08 ग्राम ऑफ CU, CU कितना है 1.08 ग्राम, ठीक है, CU मतलब कॉपर, वायर वॉज अलाउ टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, जो CU है वो रिएक्ट कर रहा है किसी नाइट्रिक एसिड से, HNO3 नाइट्रिक एसिड लिख देते हैं HNO नाइट्रिक एसिड, द रिजल्ट सॉल्यूशन वॉज ड्राइड एंड जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो ड्राई है और इग्निटेड मतलब गर्म है, ठीक है। 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 1.35 ग्राम किसका कॉपर ऑक्साइड का CO वॉज ऑब्टेन, ये बन गया इन अनदर एक्सपेरिमेंट, अब अलग दूसरा एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या है 2.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, 2.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वॉज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, वो हीट किया जा रहा है किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, और 1.8 ग्राम ऑफ कॉपर, कॉपर कितना है
1.84 ग्राम। ठीक है, तो शो दैट ये बताना है कि जो ऊपर ये जो क्वेश्चन है, क्या ये लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन कंपोजिशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर वायर वॉज अलाउड टू रीज विद द नाइट्रिक एसिड, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वाज ड्राई एंड इग्निटेड, व्हेन 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन इन एन ऑफ पे, इसमें 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ, और अगले एक्सपेरिमेंट में 2.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर इज कॉपर कितना है 1.84 ग्राम। ठीक है, तो इसमें दो केस हैं, दो हैं। ठीक है, हम दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। सो केस फर्स्ट, पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं। सी यू कॉपर किसकी प्रेजेंस में, HNO3 नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में वो रिएक्ट कर रहा है, और क्या फॉर्म करेगा, CuNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, फिर क्या था, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन वो ड्राई एंड इग्निटेड मतलब गर्म करा जा रहा है, गर्म के लिए मतलब हीट किया जा रहा है, हीट के लिए ट्रायंगल होता है, और क्या फॉर्म कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कितना है 1.08 ग्राम है। ठीक है, और 1.35 ग्राम क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO, और इसमें लगाएंगे कौन सा यूनिटरी मेथड। ठीक है, इतने में कितना है 1.08 ग्राम ऑफ CuO कॉपर ऑक्साइड में, 1.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में 1.8 ग्राम क्या है, कॉपर। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ CuO 100 में कितना होगा ऑफ CuO 1.08 अपॉन 100 हो जाएगा 100। यहाँ नहीं, पहले 135 भी तो आएगा, यहाँ आएगा 1.35 इंटू 100। ठीक है, ये यहाँ पहले हमने वन में निकालेंगे तो 1.35 यहाँ आ जाएगा, और फिर 100 में निकालेंगे, 100 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने पे कॉपर कितना, मतलब कि कॉपर कितना पर 80 ग्राम मतलब 80 ग्राम क्या आ गया CuO, कॉपर आ गया 80 ग्राम। इसे सॉल्व करेंगे हम तो कॉपर 80 ग्राम आएगा, तो यानी 100 में से हम अगर 100 में से 100 का तो ये होता सॉल्यूशन, 100 में से 80 ग्राम माइनस करते हैं तो कितना आ जाए 20 ग्राम, ये क्या हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कितने रेशियो में हो गया, ये 80% और 20, ये लिख देंगे CuO कितना है 80% और ऑक्सीजन कितना है 20। ठीक है, अब लेते हैं हम केस सेकंड। केस सेकंड क्या कह रहा है, ये रहा देखते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, मतलब किससे रिएक्ट कर रहा है, H2 से हाइड्रोजन, तो यानी CuO प्लस H हाइड्रोजन से H2 रिएक्ट कर रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है CuO प्लस H2O कॉपर और वाटर ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब इसमें वो यूनिटरी मेथड कितना दिया है, ये 22.3 ग्राम कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, और फॉर्म कितना है यहाँ, और ये कॉपर कितना है 1.84 ग्राम। ठीक है, 2.30 ग्राम ऑफ CuO कितना कंटेन कर रहा है 1.84 ग्राम ऑफ CuO। ठीक है, अब वन में कितना करेगा, 1 ग्राम ऑफ CuO कितना करेगा कॉपर ऑक्साइड 1.84 अपॉन 2.30, हमें निकालना है 100 ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ CuO 100 ग्राम ऑफ CuO में कितना होगा 1.84 इंटू का 100 अपॉन 2.30। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे भी हमारा 80 ग्राम क्या आएगा CuO कितना आ गया हमारा 80 ग्राम। फिर से 100 का सॉल्यूशन माइनस 80 ग्राम कितना दिया 20, तो 80% हमारा क्या हो गया CuO, 20% क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन, तो सेम प्रपोर्शन हो गया यहाँ पर भी 80 और 20 यहाँ पर, ये किससे है बाय मास के लिए है। ठीक है, इसी के साथ हमारा दूसरा भी लॉ हो गया। अब तीसरा लॉ देखेंगे, तीसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये जरा देखते हैं क्या है,
तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल, अब ये क्या है पहले हम इसका पढ़ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन टाइप। वन टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, जो दो एलिमेंट है वो कंबाइन होते हैं, कंपाउंड दो से ज़्यादा कंपाउंड बनने के लिए, तो द मासेज द डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, जो एलिमेंट के मासेज हैं मासेज हैं वो क्या है, कंबाइन करेंगे फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब कि वो एक सिंपल रेशियो में होंगे, मतलब कंबाइन तो करेंगे पर एक सिंपल रेशियो, मतलब एक सिंपल रेशियो आएगा, कोई पॉइंट पॉइंट नहीं, एकदम डायरेक्ट सिंपल रेशियो आएगा। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि सिंपल रेशियो में कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो पॉइंट में करे। ठीक है, एक ले लेते हैं हम जैसे एग्जांपल, एक कंपाउंड ले लेते हैं कंपाउंड ए, एक ले लेते हैं हम कंपाउंड बी। ठीक है, तो इसमें एक कंपाउंड में मास मास परसेंट टिन का कितना होगा, और एक में मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन देख लेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड ए में जैसे है 78.77, कंपाउंड बी में है 88.12, ठीक है, और ऑक्सीजन में 21.23 और इसमें 11.88 है। ठीक है, तो इन कंपाउंड एक ही कंपाउंड में देखेंगे तो 21.23 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किससे कर रहा है, 78.77 पार्ट ऑफ टिन। ठीक है, तो वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन किससे कंबाइन करेगा, 78.77 अपॉन 21.23, तो इसका आंसर आया 37 पार्ट्स ऑफ 37 पार्ट्स करेगा एस। ठीक है, अब अगला कंपाउंड ले लेते हैं, कंपाउंड बी। कंपाउंड बी में 11.88 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहा है, 88.12 पार्ट ऑफ टिन से, तो वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा 88.12 अपॉन 11.88 पार्ट ऑफ टिन। ऐसा मतलब टिन ही है ये। ठीक है, तो कितना आया ये, 7.4 पार्ट ऑफ टिन। ठीक है, अब इनका रेशियो देखेंगे, उधर क्या आया था 3.7 रेशियो 7.4, तो इसको हम 3.7 और 7.4, तो इसका सिंपल रेशियो देखें तो 1:2 बनना है। ठीक है, तो ये सिंपल रेशियो कोई पॉइंट पॉइंट में तो है नहीं, तो यही ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह रहा है। तो अब अगले लॉ पे आते हैं। अब अगला लॉ क्या है हमारा, अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ, कौन सा, चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद द सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं किसी थर्ड एलिमेंट के सेम मास है, द रेशियो इन विच दे डू सो, जिस रेशियो में वो मतलब कंबाइन करेंगे विल बी सेम और सिंपलर मल्टीपल ऑफ बोथ, वो जो सेम मतलब इजी मतलब डायरेक्ट मल्टीपल होगा दोनों के जो कंबाइन करेंगे थर्ड से, जो दो कंपाउंड कंबाइन करेंगे तीसरे से जो दो होंगे वो क्या होंगे, सिंपल मल्टीपल होंगे, सिंपल मल्टीपल मतलब किसी का भी सिंपल मल्टीपल होगा, कोई मतलब टिपिकल नहीं होगा। तो ये कह रहा है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन एक बार फिर समझ लेते हैं, जो दो कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट कोई भी एलिमेंट कंबाइन करेगा तीसरे एलिमेंट से जो रेशियो होगा उनके
जो रेशियो होगा उनकी, मतलब मास का या किसी का भी, वो सिंपल होगा या फिर डायरेक्ट ही होगा, वो ही होगा या सिंपल होगा, ठीक है। तो हम इस पे हम देख लेते हैं, जैसे हमने निकल लिया परसेंट कंपोजिशन ऑफ NH3 और H2O और N2। देखते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं इसका, कोई सा परसेंट कंपोजिशन देखते हैं NH3 का क्या है। 82.35% क्या है इसमें नाइट्रोजन, और एंड 17.65% क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगला क्या है, H2 में 88.9% है हमारा ऑक्सीजन और 11.1% है हाइड्रोजन। अगला देखते हैं हम N2O3, 63.15% है ऑक्सीजन और 36.85% है नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये बताना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से इसे कैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपल वो यूनिटरी मेथड लगाना है। तो इसमें वन मतलब वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, पहले हम NH3 का देख रहे हैं, NH3 का वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन में कितने हैं आएंगे, 82.35 अपॉन 17.65, तो ये कितना हो गया 4.65 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। H2O में देखेंगे 11.10 में कितने हैं, 88.90 पार्ट्स हैं ऑक्सीजन के, तो ये किसका है, इतने हाइड्रोजन में इतने ऑक्सीजन है, तो वन हाइड्रोजन में कितने होंगे, 88.90 अपॉन 11.10, तो ये कितना आ गया हमारा 8.01 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, इतने हाइड्रोजन में, वन हाइड्रोजन में इतने पार्ट ऑक्सीजन के होंगे। अगला क्या है N2O3, ठीक है, इसमें वन पार्ट में कितना होगा, इसमें ये देख लेते हैं वन पार्ट में कितने मतलब होंगे ऑक्सीजन, इसमें होंगे, इसमें एन और ओ ए दोनों एक ही में है, तो इसमें वन पार्ट का नहीं निकालेंगे हम, इसमें डायरेक्ट देखेंगे किस रेशियो में कर रहा है, 63.15% और 36.85%, यहाँ लिख देंगे 36.85 रेशियो 63.15 है, 63.15, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1:1.71। अब इन दोनों का देखेंगे नाइट्रोजन और इन ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का देखेंगे तो कितना है, कितने थे वो हमारे, वो थे 4.67 8:1, तो इसका भी हम देखेंगे 1:1.71, तो यानी दोनों सेम है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमारा बस लास्ट लॉ बचा है, ये लास्ट लॉ है गैस वॉल्यूम, ठीक है। ये किसने दिया था, इसे दिया था लॉ हमें गे लूसेट ने दिया था, किसमें, 1808 में दिया था ये लॉ हमें। लास्ट लॉ है फिफ्थ लॉ गे लूसेट लॉ, वैन गैस कंबाइंड और अ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस कंबाइन होंगी या कोई उनका प्रोडक्ट होगा, तो प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, तो जो ये होगा वो एक सिंपल रेशियो में होगा, किसके, वॉल्यूम के एक सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है। इसमें उसमें मास था हमारे और पर इसमें क्या है, वॉल्यूम किसी सिंपल वॉल्यूम में होगा, कोई टफ नहीं, मतलब कोई पॉइंट पॉइंट नहीं, डायरेक्ट सिंपल, जैसे ये पॉइंट में था ना, पॉइंट नहीं, डायरेक्ट सिंपल में होगा। अब इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये था, व्हेन गैस कंबाइन एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो, सिंपलर रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल द गैस आर एट सेम टेम्परेचर और अ प्रेशर। सो इसी के साथ ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो लॉ कॉम्बिनेशन के लॉ थे वो सारे लॉ, इसी के साथ हमारे सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन खत्म हुए, पांच लॉ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
थैंक यू।